एक सरकारी कंपनी है, मैं इसको पूछने के पीछे मेरा एक पर्पस है। हुआ क्या था कि अप्रैल जून 2021 की बात बता रहा हूं, आज से करीब 2.25 साल पुरानी बात। इस समय इसके रेट हुआ करते थे 55 रुपए। फिर एक बार और अटेम्प्ट हुई 2022 में जनवरी में, रेट आए करीब 50 रुपए के आसपास। फिर लोगों ने इसको आधा होते हुए भी देखा अपनी आंखों से, जिनके पोर्टफोलियोज में पड़े हुए थे, और रेट ने जो डिप लगाया वो 28 रुपए तक लगाया। अब फिर से वही रेट आ गए हैं 55 रुपए, यानी कि 2021 के जून के। मैं मोटा मोटी 2 साल बाद वहीं पहुंच गया हूं जहां से मैं टूट के नीचे से ऊपर आया हूं। अभी क्या उन लोगों को एग्जिट ले लेना चाहिए जो फंसे हुए हैं 55 रुपए वाले, या फिर अभी तो मौका आया है चलने का, अभी बने रहे इसमें? निम्ती, मुझे लगता है कि थोड़ा ओवरबॉट सिग्नल्स दे रहा है। मैं इसकी सीसीआई चेक कर रहा था, करीब करीब 310 के करीब थे। मेरा ये मानना है कि एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। कुछ अजीब सी, मैं इसको बोल भी सकता हूँ, कुछ पागलपंती वाली तेजी हो रही है कुछ स्टॉक्स में। और जब इस तरीके का अपसाइड होता है, वर्टिकल अपसाइड देखने को मिलता है, तो उसी प्रकार से स्टॉक नीचे भी आते हैं। तो ऐसा है नहीं, सस्टेनेबल नहीं है इस तरीके की ग्रोथ स्टॉक्स में। तो जिस तरह का आई वुड से मैनिक अपसाइड देखने को मिला, तो वहां पे जहां पर भी आपका पैसा बन रहा है उसको, प्रॉफिट को समेटिए और उन स्टॉक्स में जाइए जहां पर अभी तेजी बननी है। आई एम श्योर आपके चैनल पे सुबह से शाम तक यही बताते रहते हैं कि कहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यहां पर जो कमा चुके उनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यदि यही स्टॉक आपको 42-45 रुपए में मिलता है तो दोबारा सेंटर कीजिए। एनबीसीसी के पास बहुत काम है। अच्छी चीज ये है, मैं आज सुबह किसी टीवी चैनल पे बात कर रहा था आरबीएनएल के बारे में, जितना मार्केट कैप है उस मार्केट कैप से लगभग दुगुना तो उनका ऑर्डर बुक है। तो सरकारी कंपनियों के पास काम बहुत है और आने वाले साल में, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, हम बार बार बात कर रहे हैं, तो काफी फोकस रहेगा इम्प्लीमेंटेशन पे, क्योंकि योजनाएं तो बन गई कागजों में और जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, लोगों को दिखेंगे नहीं, तो वोट किस बेसिस पे मांगा जाएगा। तो सरकारी कंपनियों में तेजी का एक ये भी कारण है कि अब वो इम्प्लीमेंटेशन मोड में आ गए हैं, जो अक्सर ऐसा हम देखते हैं इलेक्शन ईयर में। तो एनबीसीसी भी एक ऐसी ही कंपनी है, नो डाउट काम बहुत है इनके पास, मगर स्टॉक प्राइस एक अलग बात होती है, कंपनी का काम एक अलग बात होती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए और पैसा लेके, प्रॉफिट लेके थोड़ा साइड। ठीक है, 2 साल का लंबे